हेलो मूवियंस। तो आज मैं आपको एक्सटिंक्शन इस फिल्म की डिटेल स्टोरी बताने वाला हूँ। इस फिल्म का जो हीरो है उसको कुछ सपने आते हैं जिसमें वो देखता है कि एलियंस हमला करने वाले हैं। उसकी वाइफ उसे किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन बाद में सच में हमला होता है। तो अब ये चीज़ें हीरो को सपनों में कैसे दिख रहे थे, और ये मूवी कोई नॉर्मल एलियन फिल्म जैसी फिल्म नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। इसलिए आप ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए। इस फिल्म के हीरो का नाम है पीटर। पीटर एक फैक्ट्री का मामूली वर्कर होता है। पीटर को हर रात कई सारे सपने आते हैं जिसमें वो देखता है कि एलियंस ने हमला कर दिया है। उसकी वाइफ इससे बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसके कारण वो उसे डॉक्टर से मिलने के लिए कहती है, लेकिन पीटर किसी भी डॉक्टर से मिलना नहीं चाहता। पीटर की दो लड़कियाँ होती है। पीटर जब जॉब जाता है तब उसे और एक सपना आता है जिसमें वो अपना हाथ खून से भरा हुआ देखता है क्योंकि उसने एक आदमी को मारा है। फिर दूसरे सपने में वो देखता है कि ज़मीन पर ढेर सारे लाशें होती है। पीटर, उसकी वाइफ और पीटर के बॉस, उनके हाथ में गन होती है। सपना ख़त्म हो जाता है, पीटर की जॉब ख़त्म होती है और पीटर घर जाता है। तो एक बात मैं आपको बता दूँ कि पीटर को जो भी सपने आ रहे हैं इसका असली मतलब आपको आगे पूरी तरह पता चलेगा। पीटर घर आने के बाद अपने वाइफ को जॉब के वक्त आए हुए सपने के बारे में बताता है। इससे उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा टेंशन में आती है। उसकी वाइफ का मानना ये होता है कि कोई भी हमला नहीं होने वाला, और पीटर को अपनी जॉब में ज़्यादा काम करने के वजह से, दिमाग पे जोर डालने से ये सब हो रहा है। अब क्योंकि पीटर को भरे दिन में सपने आ रहे हैं इसलिए पीटर डॉक्टर के पास जाने के लिए फैसला करता है। जब वो वेटिंग एरिया में बैठा होता है तब उसके साथ एक दूसरा आदमी भी होता है, उसे भी पीटर जैसे ही सपने आते हैं। वो कहता है कि सपनों में उसे दिखता है कि एलियंस ने हमला कर दिया है। ये सब सुन के पीटर बहुत ज़्यादा शॉक होता है। वो आदमी यह भी बोलता है कि जब डॉक्टर को वो ये बातें बताएगा तब डॉक्टर उसकी मेमोरी इरेज कर देंगे, इसके बाद फिर उसे ये सपने नहीं आएंगे। ये बोल के वो आदमी डॉक्टर के पास कैबिन में जाता है। पीटर ये सब सुन के उधर से वापस आता है अपने घर। पीटर डॉक्टर को बिना मिले ही वापस आ गया, इसलिए उसकी वाइफ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। रात में जब वो अपने घर की बालकनी से आसमान की ओर देखता है तब उसे कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई देती है। वो अपने वाइफ को बोलता है कि अब ये सपने वाली प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि वो भी ये सब देख पा रही है। आसमान से कई सारे स्पेसशिप्स नीचे आने लगते हैं, फिर वो स्पेसशिप्स उनके बिल्डिंग पर हमला करते हैं। पीटर और उसकी वाइफ छुप जाती है। उन्हें कई सारे आवाज़ें आती है कि एलियंस कई सारे लोगों को मार रहे हैं। अब एलियंस हर घर में जाके बचे हुए लोगों को मारना शुरू करते हैं। एक एलियन पीटर के घर भी अंदर आता है। पीटर और उसकी फैमिली छुप के होती है। तभी पीटर की छोटी बेटी अपना खिलौना लेने के लिए बाहर निकलती है। एलियन उसे देख लेता है। उसके हाथ में हथियार होता है जिसको एक बार चलाने भर से ही किसी के भी चितड़े हो सकते हैं। वो लड़की को देखता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं करता। तभी पीटर पीछे से आता है और उसके सिर पे वार करता है। एलियन की गन गिर जाती है। पीटर बार बार उसके सिर पे मारता है और एलियन बेहोश हो जाता है। पीटर उसकी गन ले लेता है। पीटर जिस फैक्ट्री में काम करता है उस फैक्ट्री में एक सीक्रेट सुरंग बनाने का काम शुरू होता है, इसलिए पीटर के हिसाब से उधर कोई भी एलियंस अभी तक पहुँचे नहीं होंगे। इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ घर के बाहर निकलता है। वो एलियन की गन को ध्यान से देखता है। वो कहता है कि इसकी टेक्नोलॉजी इधर के टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अलग नहीं है। वो और उसकी फैमिली छुप छुप के बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाते हैं। पीटर और उसकी फैमिली छुप कर आगे बढ़ती है। उन्हें एक अंडरग्राउंड रास्ते से जाना होता है। पीटर उधर के दरवाज़ा खोलता है लेकिन एलियन शिप को वो दिख जाते हैं। उन पर वो शिप मिसाइल शूट करती है। चारों उस मिसाइल के कारण दूर फेंके जाते हैं, लेकिन पीटर की वाइफ बुरी तरीके से घायल हो जाती है। और इधर पीटर के घर में हम देखते हैं कि उस एलियन को होश आता है। उसकी गन में एक ट्रैकर भी होता है, और क्योंकि गन पीटर के पास होती है इसलिए वो पीटर की लोकेशन जान लेता है। पीटर अभी भी अपने फैमिली के साथ अपनी फैक्ट्री की ओर बढ़ते रहता है, लेकिन उसकी वाइफ की हालत बहुत ही ख़राब होती है। तभी वो एलियन भी उधर पहुँच जाता है। पीटर और उसमें लड़ाई होती है। एलियन का हेलमेट नीचे गिर जाता है और ये फिल्म की सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली सीन है। एलियन का हेलमेट जब नीचे गिरता है तब हमें पता चलता है कि वो इंसान ही है, वो कोई एलियन नहीं है। वो खुद का नाम माइल्स बताता है।
पीटर ये देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। पीटर की वाइफ अब कम्प्लीटली अनकॉन्शियस होती है, इसलिए पीटर माइल्स पे गन तानता है और अपनी फैमिली के साथ फैक्ट्री तक पहुंच जाता है। फैक्ट्री का दरवाज़ा खुलता है और पीटर का बॉस उसे अंदर आने के लिए कहता है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब पीटर का बॉस और बाकी लोग माइल्स को एलियन के सूट में देखते हैं तब वो बिल्कुल ही शॉक नहीं होते, मानो जैसे उन्हें पहले से पता था कि हमला करने वाले एलियंस नहीं बल्कि इंसान ही हैं। उधर जितने भी लोग होते हैं सबके हाथों में अपने हथियार होते हैं, मानो कि ये सब लोग इस हमले के होने का इंतज़ार ही कर रहे थे। डॉक्टर पीटर की वाइफ की हालत देखते हैं, उसके पेट पे बहुत बड़ा घाव होता है, लेकिन डॉक्टर उसे बहुत बड़ा बिजली का झटका देते हैं। पीटर उन्हें रोकता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो उसे बिजली का झटका देके बचा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाते। पीटर बहुत ज़्यादा डर जाता है। पीटर का बॉस उसे समझाता है कि पीटर जो कर सकता है उसका अंदाज़ा उसे नहीं है। अब इस जगह पर भी हमला होने शुरू होता है। पीटर का बॉस सबको ये जगह जल्द से जल्द खाली करने के लिए बोलता है और माइल्स को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन माइल्स ये कहता है कि उसने इधर के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और वो पीटर के वाइफ को बचा सकता है। ये सुन के पीटर माइल्स को मारने से रोकता है। पीटर का बॉस पीटर की वाइफ और माइल्स को एक कमरे में बंद करता है ताकि माइल्स उसका इलाज कर सके और बाकी लोग एक अंडरग्राउंड ट्रेन में जाने के लिए भागते। पीटर माइल्स पर बंदूक तान के रहता है। माइल्स एक चाकू लेता है और पीटर की वाइफ के पेट में जो घाव है उसे और बड़ा करता है। पीटर उसे रोकता है, लेकिन जब वो उसके बॉडी के अंदर देखता है तब डर जाता है। पीटर की वाइफ एक मशीन होती है। माइल्स कहता है कि उसे बचाने के लिए उसे एक दूसरा पावर सोर्स कनेक्ट करना होगा। माइल्स पीटर को अपने सीने में चाकू से घाव करने के लिए बोलता है, तब उसे पता चलता है कि वो भी एक मशीन है। माइल्स पीटर के सीने पर एक वायर लगाता है और उसका दूसरा छोर पीटर की वाइफ पर लगाता है। पीटर बेहोश होता है, तब उसे अपना पास्ट याद आता है। इंसानों ने ऐसे मशीन्स बना लिए जो कि हूबहू इंसानों जैसे दिखते थे। फिर कुछ दिनों बाद इन मशीनों में इमोशंस भी डाल दिए गए। पीटर और उसकी वाइफ भी ऐसे ही मशीन्स थे। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने मशीनों की शादी को भी हाँ कर दी। मशीन्स को इंसानों से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने लगी। ये देखकर इंसानों ने मशीन्स पर हमला कर दिया। अब ये वही सीन है जो कि पीटर को अपने सपने में दिखता था, मतलब पीटर के जो भी सपने थे वो उसमें फ्यूचर नहीं अपना पास्ट ही देखता था। तो आइए वापस स्टोरी पर। तो इंसानों के हमले के बाद मशीन्स ने भी उनका सामना किया। पीटर भी एक आदमी को मारता है और फिर उसके हाथ पर बहुत ज़्यादा खून लग जाता है। ये भी उसने अपने सपने में देखा था। मशीन्स इंसानों को बुरी तरीके से हराती है। बचे हुए इंसान मार्स पर चले जाते हैं। पीटर को और उसकी वाइफ को दो लड़कियाँ रास्ते पर रोते हुए दिखाई देती हैं। उनके माता पिता को मारा जाता है क्योंकि वो इंसान थे। पीटर उन लड़कियों को अपने साथ आने के लिए कहता है। तो फिर इस तरह मशीनों की कॉलोनी बन जाती है। तो पृथ्वी पे जो भी थे वो सब मशीन्स थे और सबकी याददाश्त मिटाई गई ताकि सब मशीन्स को लगे कि वो इंसान है। और जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर्स उनकी याददाश्त मिटा देते हैं। इसलिए पहले के सीन में हमने पीटर को एक आदमी के साथ बात करते हुए देखा था, उसने भी याददाश्त मिटाने की बात की थी, लेकिन कुछ मशीनों की यादों को मिटाया नहीं गया, जैसे पीटर का जो बॉस है उसकी, क्योंकि इन्हें पता था कि इंसान वापस आएंगे और इनसे बचने के लिए कुछ मशीन्स ने अपनी यादें नहीं मिटाई। ये सब पीटर को याद आता है, पीटर को होश आता है और पीटर की वाइफ भी जिंदा होती है। माइल्स भागने के वजह अभी भी उधर ही होता है। पीटर उसे पूछता है कि जब वो बेहोश था तब माइल्स उसे मार सकता था। माइल्स कहता है कि एलियंस और इंसानों के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो 400 साल पहले हुई थी। सारे इंसानों को अपना सब कुछ छोड़कर एक नए प्लेनेट पर जाना पड़ा। माइल्स कहता है कि उसे बताया गया था कि मशीन्स बहुत बुरे होते और उनमें इंसानों जैसी कोई भी बात नहीं होती। माइल्स को तो यह भी नहीं पता था कि जब वो धरती पे आएंगे तब वो सांस भी ले पाएंगे या नहीं, इसलिए सब लोगों ने ऐसे स्पेस सूट्स पहन के रखे थे, इसलिए फिल्म के स्टार्टिंग में हम उन्हें एलियन समझ रहे थे। तो माइल्स जब पीटर के घर में घुसा था तब उसने पीटर की छोटी बेटी को देखा और उसे मार नहीं पाया। और जब पीटर ने अपनी वाइफ को बचाने के लिए अपनी खुद की जान जोखिम में डाल दी, ये सब देख के माइल्स का
मशीनों के प्रति नज़रिया बदल गया। पीटर माइल्स के साथ शेकहैंड करता है और माइल्स पीटर को उधर से बाहर निकलने के लिए बोलता है। पीटर और उसकी वाइफ ट्रेन पर पहुंच जाती है, उनकी लड़कियां भी उधर होती है। ट्रेन शुरू होती है और किसी सीक्रेट जगह पर जाने के लिए लगती है ताकि मशीन्स इंसानों से छुप सके और कुछ प्लान बना सके। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जो हमला हुआ था वो 400 साल पहले हुआ था और मशीन्स की उम्र तो होती नहीं है, यानी वो बढ़ते तो है नहीं। तो पीटर की वाइफ, उनकी बेटी 400 साल से वैसे ही दिख रहे थे। तो क्या पीटर की वाइफ को पता नहीं चला, यानी पीटर की वाइफ, उनकी फैमिली को पता नहीं चला कि वो मशीन्स है या इंसान है? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि वो रेगुलरली डॉक्टर को मिलते थे, तो इसलिए डॉक्टर्स उनकी याददाश्त मिटा देते थे, यानी वो स्पेसिफिक एरिया जिसमें उनको लगे कि वो बूढ़े नहीं हो रहे, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि वो मशीन्स है। और जब भी किसी को पता चलता था कि वो मशीन्स है या फिर कुछ राज खुलता था, तब उनकी याददाश्त मिटाई जाती थी। सो थैंक यू एवरीवन्स ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक आदमी का एक्सीडेंट होता है और फिर उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर कोई दूसरा ही आदमी उसकी आइडेंटिटी ले लेता है। तो ये सब उसके साथ क्यों रहे, ये सब जानने के लिए आप ऊपर वाली वीडियो देखिए और वेनम फिल्म की स्टोरी देखने के लिए नीचे वाली वीडियो देखिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।